हेलो, वेलकम टू दिव्या आर्ट एकेडमी। आज हम अपना टॉपिक एक्सप्लोर द स्पेस की स्केचिंग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट बनाना सीखा है। जो भी न्यू मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, वो यूट्यूब पे इस लिंक के नीचे इन दोनों के लिंक्स भी देख सकते हैं कि इसका बहुत ही ईजी स्टेप्स मैंने बताए हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। 5 ईयर्स एंड अबव के लिए ये टॉपिक है। इस टॉपिक का बैकग्राउंड आज हमें कंप्लीट करना है। मैं बैकग्राउंड दो तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। जो भी आपका बच्चा कैपेबल है वो उस चीज को बना सकता है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। कल हम इस टॉपिक का कलरिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को इसे स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीज नहीं दे रही हूँ मैं, बिकॉज ये स्पेस है तो इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी कलरिंग से आएगी। हमें बहुत ही थोड़ा बैकग्राउंड बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप एक शीट के ऊपर जिस तरीके से मैंने एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट ड्रॉ किया है, आप स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। स्टेप्स आपको इसके बता दिए गए हैं। बैकग्राउंड के लिए जो फर्स्ट मेथड है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉट के बैक साइड में इस तरीके से हम अर्थ फॉर्म कर रहे हैं। स्पेस कंप्लीट करना हमें, स्पेस के लिए हम बहुत थोड़े से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे स्पेस डिपेक्ट करने के लिए। बाकी क्रिएटिविटी कलरिंग से आएगी, बहुत इजी है। अब हम सैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, अ वेरी फ्यू स्टार्स। बाकी स्टार्स कलरिंग इफेक्ट से ही दिए जाएंगे। एक हम इसमें छोटा सा सैटेलाइट भी बना देते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं अगर आप देखेंगे तो। दैट्स इट, इतना ही बैकग्राउंड आप लोगों को बनाना है। ये एज ग्रुप 5 इयर्स एंड 8 इयर्स तक के बच्चों के लिए ठीक है। जिनकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है वो थोड़ा हायर लेवल का जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ वो भी बना सकते हैं। अर्थ में आप थोड़ा सा लैंड एंड वाटर भी ड्रॉ कर दीजिए। दैट्स इट। सो इसका जो नेक्स्ट है, जिस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मेथड इज दिस। हमने इसके अंदर सैंड क्लॉक बनाया है। सैंड क्लॉक के अंदर सिमिलर तरीके से एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसक्राफ्ट है। टू कर्व लाइंस जो कि इसके एजेस पे जॉइन हो जाएंगी एंड अ वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स। इसमें बाकी सारी कलाकारी आपके कलर्स से होगी, ये मत सोचिए कि बहुत कम बनाया है। इनफैक्ट इसकी कलरिंग ज्यादा डिफिकल्ट है। सो आपका बच्चा जो भी बना सकता है दोनों में से, आप उन्हें प्रैक्टिस कराएं। अभी मैं इसी के साथ एक और वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये जो सैंड ग्लास मैंने बनाया है, जिसको हम सैंड क्लॉक भी बोलते हैं, आर ग्लास भी बोलते हैं, ये बहुत ही इजी टेक्निक मैंने बच्चों को दी है बनाने के लिए, जिसमें ऊपर का हाफ एंड नीचे का हाफ बिल्कुल ही सेम साइज में आ सकता है। तो आप वो वीडियो भी देखिए कि इसको किस तरीके से बनाना है बहुत इजी स्टेप्स में। एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसक्राफ्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है और बाकी ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट बना सकता है। मैं इन दोनों चीजों की आपको पिक्चर भी भेज देती हूँ, सो दैट आप क्लिक करके आप उसको बच्चों को दिखा सकते हैं, वो इजीली बना लें। कल हम इसकी कलरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें इस वाले पिक्चर में, जो कि आई थिंक 5 इयर्स टू 8 इयर्स का ग्रुप बना सकता है, इसमें मैं ऑयल पेस्टल की शेडिंग बताऊंगी एंड इसके अंदर मैं वाटर कलर्स से पेंटिंग बताऊंगी। तो सब बच्चे प्रैक्टिस करें। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इसीलिए मैंने फेसबुक का ग्रुप बनाया है, उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया गया है। आप उसमें मुझे अपने पिक्चर्स भेज सकते हैं बनाकर, और व्हाट्सएप पे अगर सेंड करें तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिए।